अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ अक्खा मसूर का वेजिटेबल पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल घर के रखे सामान से हम इसे तैयार कर लेंगे, बहुत ही झटपट बनेगा और बहुत ही माशाल्लाह यमी और टेस्टी बनेगा। जो वेज खाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर ले ली हूँ और कुकर के अंदर मैंने डाल दी हूँ तेल 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं डाल दी हूँ आलू। आप देख सकते हैं आलू को अभी हमें गोल्डन फ्राई करना है। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं लगाई हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें फूड कलर आप लगा सकते हैं। बस इसे अभी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले ली हूँ। 2 तेज़पत्ता है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है 3, और साथ ही साथ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी ली हूँ और हरी इलायची ली हूँ। बस 1-2 हरी इलायची लेना है, ज़्यादा नहीं। आलू हो गए हैं, इसको मैंने निकाल ली हूँ अलग बर्तन में। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हूँ, इसमें से आधी अभी हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें से हाफ़ हम रोक लेंगे प्याज़ गार्निशिंग के लिए। देखिए प्याज़ को भी हमें अभी अच्छे से गोल्डन फ्राई ही करना है, और वो सेम ऑयल है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाली हूँ अभी इसमें, जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे ना वही तेल में मैंने प्याज़ भी डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल इवनली फ्राई होगी ये अगर आप इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो। देखिए प्याज का कलर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इतना अच्छे से चेंज हो चुका है। बस यही हमें ऐसी प्याज चाहिए, अब इसको निकाल लेंगे। और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रोक ली हूँ और बाकी की मैंने कुकर में ही रहने दी हूँ। इसी के साथ हम जो खड़ा गरम मसाला अभी निकाले हैं ना उसको डाल देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैंने 6 से 8 हरी मिर्ची मिक्सी जार में डाल के हल्का दरदरा सा मैंने इसको पीस ली हूँ। 6 से 8 हरी मिर्ची है ये, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और प्लस खुशबू भी बहुत अच्छी आती है पुलाव में। बस इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे मसाले को भी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना रहे। देखिए ये मसाला डालने के बाद ही माशाल्लाह खुशबू खुशबू हो गई है किचन में। चलिए मसाला भी अच्छे से हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और मैंने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाली हूँ अच्छी थिक ग्रेवी बनने के लिए। और इसी के साथ मैंने डाल दी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, ये तीखी वाली है 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून। साथ ही साथ मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर डाली हूँ, वो भी 1 टीस्पून है, और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिला ली मैंने। अब इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें अक्खा मसूर, ये मैंने 1/2 कप ली हूँ, और इसको मैंने 1/2 से 1.5 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख दी थी। जब ये अच्छे से भीग गई दाल, तो इसके बाद में मैंने इसको कुकर में इसको मैंने डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ली थी, इसको मैंने मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको पेस्ट जैसा बना ली हूँ, और इसको भी इसमें ऐड कर देना है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। कि अच्छे से सब मिक्स हो गया है, तो इसके बाद में जो मैंने मिर्ची का बस गया था ना पेस्ट, उसमें मैंने पानी डाल के उसको भी यूज़ कर ली हूँ। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने दही डाल दी हूँ, दही को मैंने फेंटी नहीं थी, मैंने ऐसे ही डाल दी हूँ। और अभी देख सकते हैं आप कुकर में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बस ऐसा करने से ही वो अच्छे से फेंटे जाएंगी। देख सकते हैं दही कितने अच्छे से मिल गई है। तो इसी के साथ मैं इसमें आलू भी डाल दूंगी, क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं, तो मैंने इसको भी डाल दी हूँ, और साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि दाल जो है वो अच्छे से फूल गई थी भिगाने से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 इसको विसल आएगी, तो मैं इस कुकर को खोल दूँगी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी मैंने बिल्कुल 1/2 ग्लास जितना ही डाली हूँ, ज़्यादा एकदम पानी पानी नहीं करना है अभी। अभी मैंने सिर्फ दाल गलने के लिए ही पानी डाली हूँ, और अब इसको लिड लगा के रख देंगे 2 से 3 विसल आने के लिए। वैसे डिपेंड करता है अलग अलग प्रेशर कुकर के ऊपर कि आपके प्रेशर कुकर में कितना टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर 3 विसल हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आलू भी गल गए हैं और यहाँ पर दाल भी अच्छे से गल गई है। दाल को हमें बिल्कुल 100% नहीं गलाना है, वरना ये बिल्कुल मैश हो जाएगी, हमें इसको मैश नहीं करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी बता रही हूँ, हल्की सी कड़क है ये, बस हमें इस तरह से ही इसे रखना है, क्योंकि अभी ये चावलों के साथ में भी पकेगी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी। अब कुकर मुझे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ली हूँ, बड़ा सा तपीला ली हूँ, उसके अंदर मैंने ये सब मसाला जो है वो शिफ्ट कर दी हूँ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल रही हूँ,
बस इसे वॉश करके अच्छे से डाल देना है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें भी ले ली हूँ। ये अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं हरी मिर्ची, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी लेमन जूस। मैंने यहाँ पर हाफ ली हूँ लेमन। इसका अच्छे से हमें निचोड़ के जूस निकाल लेना है और इसको भी मसालों में दाल के साथ में ऐड कर देना है। कुछ ही मिनट में आप देखना, माशाल्लाह इतना अच्छा यमी सा पुलाव पक के तैयार हो जाएगा हमारा। अभी हमें डालना है इसमें चावल, तो मैं चावलों का पानी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावल ली हूँ, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाली हूँ। चावल भी मैंने अच्छे से धो ली हूँ। मैंने कोलम राइस जो आता है ना, बारीक राइस, मैंने वो ली हूँ। इसकी जगह पर आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बासमती राइस लेते हैं तो उसको आपको आधा घंटा धोकर भिगो कर रखना पड़ेगा। अब मैं डाल रही हूँ चावल के हिसाब का नमक, क्योंकि मैंने दाल के हिसाब का तो डाल दी थी, चावल का रह गया था, वो मैंने अब ऐड कर दी हूँ। बस अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर इसके बाद में कवर लगाकर इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट बाद मैंने खोल के देखी तो पानी भी बिल्कुल अच्छे से इसका कम हो गया है, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है पानी। और यही पानी के अंदर हम अभी इसको दम पे भी रख देंगे। मुझे कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इतना पानी बच गया है जिसमें चावल अच्छे से पक जाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पर जो मैंने प्याज आधी रोक के रखी थी ना गार्निशिंग के लिए, बस वो इसी स्टेज पे, इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह फर्स्ट क्लास हमारा खुशबूदार पुलाव बिल्कुल पक के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अभी सिर्फ मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखना है अभी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने खोल कर इसे देखी और ये बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका दाना भी बिल्कुल खिला खिला बना है। अगर आप बासमती राइस लेंगे तो फिर तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए ये बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को शो करती हूँ। देखिए कितना इसका दाना भी खिला खिला है और बिल्कुल खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव हमारा पक के अक्खा मसूर का तैयार हो चुका है। और इसी के साथ में खाने के लिए हम लोगों ने दही का कचुंबर बनाया है, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्चें सब ली हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास यमी सा कचुंबर भी हमारा पक के तैयार हो गया। वैसे ये खाने के साथ में ये वाला कचुंबर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप दूसरा कचुंबर बनाना चाहते हैं इमली गुड़ का, तो आप वो भी बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास से हमारा यमी सा पुलाव और साथ ही साथ इसके कचुंबर भी पक्के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं आलू भी कितना अच्छे से गल गया है, बल हल्के से मैंने हाथ लगाया, आप देखिए बिल्कुल टूट गया है। देखिए फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे इतना गर्म खाना है कि मैं बिल्कुल इसका निवाला नहीं बना रही हूँ, बना सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।